हेलो एवरीवन वन आज हम पढ़ने वाले हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में जिसे हम आर के नाम से भी जानते हैं तो ये हार्ट की एक क्रोनिक कंडीशन होती है जो कि रूमेटिक फीवर के बाद हमें देखने को मिलती है सो so, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ इज ए क्रोनिक कंडीशन विच इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में हमारे हार्ट की तीनों लेयर्स इन्वॉल्व रहती है पेरिकार्डियम मायोकार्डियम और सबसे इनर मोस्ट एंडोकार्डियम ये तीनों लेयर्स इसमें इन्वॉल्व रहती है इन तीनों लेयर्स का इसमें इंफार्मेशन देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं पेनकार्डाइटिस ओके सो इट इज़ करेक्टराइज बाय पेनकार्डाइटिस एंड डिफॉर्मिटी इन वॉल्स डिफॉर्मिटी इन वॉल्व्स वॉल्स में मिट्रल वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्स एवोटिक वॉल्स इन सभी वॉल्स में हमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में सो र्यूमेटिक हार्ट डिजीज इज़ ए क्रोनिक कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम र्यूमैटिक फीवर एंड इट इन्वॉल्वस पेनकार्डाइटिस एंड डिफॉर्मिटी इन वॉल्स रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो कि रूमैटिक फीवर से हो रहा था तो हम देखेंगे कि र्यूमैटिक फीवर कैसे हो रहा था सो र्यूमेटिक फीवर इज एक्ट एक्यूट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड मतलब इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स से मल्टी सिस्टम डिजीज मतलब यहाँ पे इंफ्लामेशन होता है दैट एक्यर्स आफ्टर एन एपिसोड ऑफ ग्रुप ए फेरेंजाइटिस सो रूमेटिक फीवर एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक्यूट है मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन की है और इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसमें और ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है इसमें हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है और ये क्यों होती है ये फेरेंजाइटिस होने के बाद होती है और ये फेरेंजाइटिस भी कौन करवाता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया ओके सो रूमेटिक हार्ट डिजीज जो कि किसके कारण हो रही थी रूमेटिक फीवर के कारण और ये रूमेटिक फीवर भी किसके कारण हो रहा है फेरेंजाइटिस मतलब फेरिंग्स में इंफ्लामेशन हुआ फेरेंजाइटिस और ये इन्फ्लामेशन किसके कारण हुआ है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। सो इटियोलॉजी की बात करें मतलब कॉज क्या है आर का तो so, कॉज है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया उसमें भी कौन सा वेरिएंट? ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक हिमोलाइटिक मतलब ये आबीसी को क्या करेगा ब्रेक करेगा सेकेंड इथियोलॉजी क्या है रूमेटिक फीवर रूमेटिक फीवर के कारण आर एस जी देखने को मिल रहा है तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रेप्टो पायोजेंस बॉडी में आया और उसने क्या करवा दी सोर थ्रोट ओके सोर थ्रोट सोर थ्रोट करवाने के टू से फोर वीक्स बाद ये पेशेंट में करवा देता है रूमेटिक फीवर रूमेटिक फीवर होने के बाद क्या हो जाती है कंडीशन आर एच डी रोमैटिक हार्ट डिजीज रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें रोमैटिक हार्ट डिज़ीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है तो देखिए ये एक इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन ऐसी जगह में ज़्यादा फैलता है जो कि ओवर क्राउडेड हो जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हो वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी फैलेगा सेकेंड इज पुअर सोशियो इकनॉमिक स्टेटस मतलब जैसे जो लोग स्लम में रह रहे हैं प्रॉपर हाइजीन कंडीशन नहीं मेनटेन है तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन ज़्यादा फैलेगा स्ट्रेप्टोकोकस का और एज एज की अगर बात करें तो ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि बच्चों में इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं रहता है तो फाइव टू फिफ्टीन ईयर्स ऑफ फोर्थ रिस्क फैक्टर इज़ अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ऐसे लोग जिन्हें अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होता रहे जैसे कि कोल्ड फ्लू ये सब तो इन सब चीज़ों में ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस के इन्फेक्शन और ज़्यादा कॉमन हो जाता है तो स्टेप्टोकोकस बॉडी में आया उसने सो थ्रोट करवाई सो थ्रोट के बाद हुआ र्यूमैटिक फीवर र्यूमेटिक फीवर के बाद होता है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ तो र्यूमेटिक हार्ट डिजीज की क्या खासियत है ये क्या करवाता है हार्ट की तीनों लेयर्स में इंफ्लामेशन करवाता है जिसे हम कहते हैं पैनकार्डाइटिस तो पेनकार्डाइटिस देखने को मिलेगा प्लस वॉल्स में हमें क्या देखने को मिलता है वेजिटेशन वहाँ पे वेजिटेशंस फॉर्म हो जाते हैं क्योंकि ये जो हमारी हार्ट की वॉल्स है मिट्रियल वॉल्स ट्रैकर वॉल वॉल्स वॉल्स इन सभी को डिफॉर्म करता है और डैमेज कर देता है तो यहाँ पर हमें वेजिटेशन देखने को मिलते हैं और हमें देखने को मिलता है वॉलर रिजर्जिटेश एंड सीनोसिस और देखने को मिलता है हार्ट फेलियर पैथोजेनेसिस ऑफ र्यूमैटिक फीवर र्यूमैटिक फीवर इम्यून रिस्पॉन्स के कारण होता है ठीक है सो so, पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो र्यूमैटिक फीवर इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स करती है किसके प्रति ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकाई के पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन रहता है जिसे हम कहते हैं एम प्रोटीन तो ये एम प्रोटीन जो है एंटीजन की तरह वर्क करता है और ये एंटीजन के सी डी फोर टी सेल्स सी डी फोर टी सेल्स के आने के बाद आती है प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज और ये एंटीजन एंटीबॉडीज़ में क्रॉस रिएक्शन होता है और फिर ये हमारे इम्यून सिस्टम डैमेज करता है ये स्टेप्टोकोकस को सो हेयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मॉलिक्यूलर मिमिक्री मतलब ये एम प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो हमारी हार्ट में जॉइंट में स्किन और ब्रेन में भी प्रेजेंट रहता है एंटीबॉडीज़ बनी थी एम प्रोटीन के अगेंस्ट टू किल दिस स्टेप्टोकोकस वो अब इन सभी चीज़ों को भी डैमेज करने लगती है जिसके कारण हमें क्लासिकल र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ के फीचर्स देखने को मिलते हैं तो so अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या देखने मिलेंगे र्यूमेटिक हार्ट डिजीज में अगर हार्ट को इन्वॉल्व करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है पेन कार्डाइटिस जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया मतलब हार्ट की तीनों लेयर्स का इन्फ्लामेशन सेकेंड हमें देखने को मिलता है माइट्रियल रिजर्जिटेशन रिजर्जिटेशन मतलब नॉर्मली जैसे ये वॉल्व्स है ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से प्रॉपर फ्लो होता है नीचे जाता डाउनवर्ड जाता है ब्लड का फ्लो लेकिन रिजर्जिटेशन जैसे कि वॉल्स है इसमें डिफॉर्मिटी आ गई तो अब जो ब्लड का फ्लो है वो अब ऊपर जाने लगेगा तो इसे हम कहते हैं रिजर्जिटेशन हमें देखने को मिलेगा अगर जॉइंट इन्वॉलमेंट हुआ है तो इसमें हमें देखने को मिलता है माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस पॉली मतलब पॉली मतलब मोर आर्थराइटिस मतलब जॉइंट का इन्फ्लामेशन और माइग्रेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह वॉन्ड्रिंग पॉलीआट्राइटिस तो इसमें जो ज्वाइंट पेन है कभी एल्बो में होगा तो कभी नी ज्वाइंट में होगा मेनली ये लार्ज जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है लार्ज जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है लोअर लिम के और अपर लिम के ठीक है अगर हम स्किन की बात करें अगर स्किन को अगर डैमेज करेगा हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम तो मिलेगा मैक्यूल सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा मैक्यूल फिर हमें देखने को मिलेगा इरिदिमा मार्जिनेटा मार्जी नेटा मतलब रेड तो इसमें हमें रेड कलर के मैक्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे स्पेशली हमें कहाँ देखने को मिलते हैं ये ट्रंक्स और एक्सट्रीमिटीज़ में ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ में हमें इरिदिमा मार्जीनेटम देखने को मिलेगा और मेनली ये एक्सटेंसर सरफेसिस में रहते हैं एक्सटेंसर सरफेस पर इरिदिमा माजिनेटम की खासियत ये रहती है कि ये नॉन ईचिंग रहते हैं मतलब ये प्रोराइटिस नहीं करवाते इसमें खुजली नहीं होती है और ये लाइक लाइक्यूशन -like रहते हैं स्नोली इरिदिमा माजिनेटम कभी भी फेस को नहीं इन्वॉल्व करते सो इट नेवर इन्वॉल्व फेस थर्ड अगर बात करें तो हमें इसमें देखने को मिलते हैं सब क्यूटेनस नोडुल्स के बिलो सबक्यूटिनस एरिया जहाँ रहते हैं वहाँ में नोडुल्स मिलते हैं नोडुल्स की खासियत ये रहती है कि ये पी साइज़ रहते हैं, ओके स्मॉल साइज़ के रहते हैं पी साइज़ के और ये नॉन पेनफुल रहते हैं नॉन पेनफुल और इसकी साइड क्या होती है ये बोनी प्रोमिनेंट एरिया में देखने को मिलते हैं बोनी प्रोमिनेंट एरिया जैसे कि हैंड हो गया ओके okay? फीट हो गया एल्बो ऑक्सीपुट ये जो कि बोनी प्रोमिनेंट एरिया है यहीं पर हमें सबक्यूटेनस नोडल्स देखने को मिलता है हमने हार्ट के देख लिए ज्वाइंट के देख लिए और स्किन के देख लिए फीचर्स अब हम देखते हैं ब्रेन के कि ब्रेन में हमें क्या देखने को मिलेगा तो ब्रेन में हमें देखने को मिलता है इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हमारी बॉडी में अपने आप ही ट्विचिंग होगी इन कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम क्या कहते हैं सिंधी हैम्स कोरिया मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन की अगर बात करें कि सबसे पहले कौन से फीचर्स आएंगे तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है पॉलीआर्थराइटिस पैनकार्डाइटिस और इरिदिमा मार्जिनेटम ओके तो ये जो तीन है पैन कार्डाइटिस पोलियाथ्राइटिस इरिदिमा मार्जिनेटम ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है माइनर प्रेजेंटेशन की बात करें कि जो कभी कभी आते हैं सो so, और ये लेट फीचर्स रहते हैं तो सबक्यूटेनस नोड्यूल्स और कोरिया ओके इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें कि हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हमें ए एस ओ का लेवल इंक्रीज मिलेगा ए एस ओ मतलब एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडी ओके सेकेंड वेरी टिपिकल फाइंडिंग इन र्यूमैटिक हार्ट डिजीज इज ऑफ बॉडीज ओके डायग्नोसिस इज मेड बाय वेरी इंपॉर्टेंट जोन्स क्राइटेरिया ओके पेशेंट जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स लेके आ रहा है क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स लेके आ रहा है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि इससे र्यूमेटिक हार्ट डिजीज है कि नहीं तो इसमें दो फाइंडिंग्स रहती है मेजर फाइंडिंग और माइनर फाइंडिंग ओके okay, तो मेजर फाइंडिंग्स में हम रखते हैं कार्डाइटिस मतलब जो कार्डाइटिस थी वो तीनों लेयर्स का इन्फ्लामेशन पोलियाइटिस ये भी मेजर में आ जाती है मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ऑल लार्ज जॉइंट्स माइग्रेटरी पोलियार्ट्राइटिस कोरिया इन्वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन जो हमने देखा था सी एन एस इन्वॉलमेंट में इरिदिमा मार्जिनेटम और सबक्यूटेनस न्योड्यूल्स दिस फाइव फाइंडिंग्स आर देअर इन मेजर फीचर्स माइनर फाइंडिंग्स में क्या क्या आ जाएगा अगर पेशेंट को फीवर है पॉली आर्थरेलजिया ओके पॉली आर्थ है पॉली आर्थराइटिस नहीं है आर्थरेलजिया मतलब पेन हो रहा है बहुत सारे जॉइंट्स में आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन था अगर बॉडी में इंफेक्शन है तो ई एस आर भी इंक्रीज मिलेगा यह भी माइनर फाइंडिंग में ल्यूकोसाइटोसिस मतलब डब्ल्यू बी सी का लेवल भी इंक्रीज मिलेगा हम इसी चीज देखें तो इसमें हमें प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल देखने को मिलता है तो जोन्स क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज का कन्फर्मेशन चाहिए तो वन मेजर एंड टू माइनर या फिर या फिर दो मेजर तो हम कन्फर्म कह सकते हैं कि रूमेटिक हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही रहता है अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम एनलजेसिक्स दे देंगे सो so, ट्रीटमेंट में आ जाएगा एनलजेसिक्स स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन की वजह से हुआ था तो एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए हम क्या दे देंगे स्टेरॉइड्स मिट्रल वॉल अगर बहुत ही ज़्यादा डिफॉर्म्ड हो गई तो हम मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं इफ़ यू लाइक एंड अंडरस्टूड द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लेट मी नो द क्वेरीज And also, the topic you want to learn. Okay, so thank you for watching. Bye bye.